नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। इस समय हम लखनऊ के लालबाग में हैं, नगर निगम ऑफिस के सामने, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहां पे हम लोग आए हैं, अतुल प्रसाद सेन जी की जयंती मनाई जा रही है, 151वीं जयंती मनाई जा रही है। तो यहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है वो लखनऊ बंगी नागरी समाज के द्वारा मनाई जा रही है। तो यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं जिस तरीके से आपका जो कार्यक्रम रखा गया उसकी रूपरेखा क्या है। मैं वी के सिंह, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल, कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल, और मैं बंगी नागरिक समाज से पिछले 2005 से जुड़ा हुआ हूं। आज ए पी सेन साहब की जयंती पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लखनऊ बंगी नागरिक समाज के तत्वावधान में वेटरन स्पोर्ट्स होते हैं, महिला क्रिकेट हुआ और बहुत से आयोजन हुए, जिसमें पी के दत्ता साहब ने ही सारे आयोजन ऑर्गेनाइज किए और सफलतापूर्वक सभी आयोजन हुए। राधे श्याम निगम, खिलाड़ी भी रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग का। हमारी कार से आओ कैसे, और उसमें मतलब राष्ट्रीय हम समझ गए, उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश का सचिव रहा हूँ, और हमारे साथ में जिक्रपाल साहब और भी बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं 1995 से प्रतिनिधित्व कराता हूँ और 2010 से दत्ता जी के साथ हमने वेटरन स्पोर्ट्स किया और 40 स्पोर्ट्स जो एक रिकॉर्ड हुआ गिनीज बुक, वो सब हुए और 2013 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए। सर्वप्रथम लखनऊ बंग समाज के संयोजक श्री दत्ता जी को साधुवाद देता हूँ और बापूरी जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की आयोजन किया। कार्यक्रम का जो अतुल स्वर्गीय अतुल प्रसाद जी के जन्म शताब्दी 151वां जन्म शताब्दी समारोह आज लाल बाग के पार्क में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे शहर के सम्मानित वरिष्ठ नागरिकगण एवं सम्मानित प्रोफेसर सभी लोग, यहाँ मीडिया कर्मी सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसमें मैं भी साक्षी हूँ। मैं प्रदीप कुमार राय, लखनऊ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ और मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ अतुल प्रसाद जी के लिए कि लखनऊ के शायद ही किसी को मालूम हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को मालूम हो कि अतुल प्रसाद जी के निजी वैतृक सचिव हमारे दादाजी रहे हैं, जो स्वर्गीय सीताकांत राय जी थे। पूरे जीवन तक उनके अतुल प्रसाद जी के साथ पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में रहे हैं और वहीं पर चारबाग में जहाँ पी सिंह जी का मकान था उसी मकान में गुरुदेव रविंद्रनाथ जी आते थे, एक एक दो दो दिन रुकते थे और लखनऊ भातखंडे के म्यूजिक के जो भी छात्राएं आती थी वो सब रविंद्र संगीत गुरुदेव सुनते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में एक दिन अतुल जी ने हमारे दादाजी से कहा, जो पर्सनल सेक्रेटरी थे सीताकांत राय जी से, अरे सीताकांत, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अतुल प्रसाद जी से कहा कि क्यों अतुल, तुम्हारे तरह हमको भी एक निजी सचिव हमको भी दे दो, कोई है तुम्हारे नॉलेज में? तो बगल में सीताकांत राय जी के बगल में उनके छोटे भ्राता, माने हमारे दादाजी के छोटे भ्राता सुधाकांत राय चौधरी थे, खड़े थे, 16 साल की उम्र थी। उस समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा अतुल जी ने, क्यों टैगोर जी ये ठीक रहेंगे?
कहा कि हाँ पूछ लीजिए, तो सीताकांत राय जी से परमिशन लिया और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने साथ शांति निकेतन बोलपुर में, शांति निकेतन है जहाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जहाँ गुरुदेव जी ने खोला था, वहीं पर अपने साथ सुधाकांत राय चौधरी को ले गए शांति निकेतन में। और जब तक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जिंदा रहे, जीवित रहे, तब तक सुधाकांत राय उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे, हमारे दादाजी के छोटे ब्रदर। तो ये एक छोटी सी बात थी। फिर एक दूसरी एक घटना और है छोटी सी। दशहरी आम गुरुदेव जी को बहुत पसंद आता था लखनऊ का, वो अतुल प्रसाद जी पेश करते थे, तो उसी में उन्होंने अतुल जी से कहा कि क्यों एक कलम हमको आम का दशहरी का मिल सकता है। तो सीताकांत राय जी ने तुरंत कहा कि अभी मिलेगा। तो सीताकांत राय जी इक्का से मलियाबाद गए हमारे दादाजी और एक आम का कलम ले आए, दशहरी आम का, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने साथ शांति निकेतन ले गए। मैं 2006 में शांति निकेतन गया था, वहाँ देखा कि वही आम अभी भी वृक्ष, बहुत बढ़िया वृक्ष लगा हुआ है दशहरी आम का। ये एक यादें थी मेरी दो शब्द। मैं रत्ना बापुली लखनऊ बंगी नागरी समाज की संरक्षिका हूँ। अभी भी क्या कहते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ काम इनके बारे में। अब क्या बताऊँ इसके बारे में, तो सभी जानते हैं। ऐसे एपी सेन के 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर लाल बाग में आए हैं, जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है वहीं पर हम लोग दीपदान कर रहे हैं। ऐसे हम लोग तो हर जन्मदिन पर, जैसे 151 जन्मदिन है तो 151 मोमबत्ती जलाते हैं। ये जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर के छोटे भाई के समान थे, और इन्होंने अपने क्या कहते, ये संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे, कानून की पढ़ाई में सबसे अव्वल थे, वकील थे, और इन्होंने क्या कहते हैं देश सेवा के लिए बहुत काम किया है। नहीं तो ऐसे ये ढाका से आकर के जब लखनऊ वासी हो गए हैं, तो किसी मतलब लखनऊ वासी के लोग जो है इनको इतनी सम्मान क्यों दिया, इन्होंने अपना कुछ किया है, दिखाया है, तभी तो। जाति पाति से दूर हम तो समझते हैं कि जो अच्छा होता है, जो अच्छा काम करता है, उसको जाति से बंगाली भाषा से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो तो हमेशा ही सोचते हैं कि हम देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करें। बस आज इतने ही है। दीपक कुमार हालदार, बांग्ला समाज का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। हमारे आज दुर्गा पूजा प्रांगण में लालबाग में ये 151वीं अतुल प्रसाद सेन का आज बर्थडे हमारे बांग्ला समाज के चेयरमैन श्री पी के दत्ता जी मना रहे हैं। मैं आपका HTN टीवी का, दूरदर्शन प्रेस मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आए और हमारे अतिथि गण आए, और हमारे दत्ता साहब कुछ ना कुछ हर महीने कार्यक्रम कराते रहते हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, हर कार्यक्रम कराते रहते हैं। मैं सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आगे का कार्यक्रम दत्ता साहब और अच्छा कराए और अच्छा तरीके से हो। मैं प्रवीण कुमार राजी, रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर BSNL। इस आज श्री पी के दत्ता जी के सौजन्य से जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ से कुछ बोल सकूँ, श्री एपी सेन जी के लिए जिनकी 151वीं जयंती मनाई जा रही है, और बहुत सारी बातें हमने शेयर की सर से, आपको सेन का नाम जरूर दिखा, और हमारे जो हमें एक रेफरेंस मिला एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का, श्री पार्थो सेन जी हैं जो हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, और आपने सर का इस पर रेफरेंस दिया, और अभी बहुत व्यक्तिगत बातें भी हुई मेरी। इससे मुझे लगा कि एपी सेन जी बहुत ही एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, और उन्होंने इस लखनऊ शहर के लिए और अपने जो उनका अपना खुद का व्यक्तित्व था बहुत ही विलक्षण था, और बहुमुखी प्रतिमा के बहुत ही वो थे, और मैंने एक तरीके से देखा जाए तो उनके प्रति बहुत ही आदर और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इस अवसर पर। 51वीं जन्मतिथि पे हम लोग आज लालबाग नगर निगम पार्क में इकट्ठे हुए हैं, लखनऊ बंगीय समाज के संयोजक श्री पी के दत्ता जी जो कि आज भी जवान हैं, उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और एपी सेन जी को हम लोग श्रद्धा सुमन और उनको याद कर रहे हैं। और एपी सेन जी, बहुतों को नहीं मालूम, एपी सेन जी इस शहर के सबसे पहले हिंदू
उप महापौर थे सबसे पहले ब्रिटिश काल में, सबसे पहले यहाँ के एल्डरमैन थे और मेरे पिताजी के नाना विपिन बिहारी बोस साहब के बहुत बहुत ही करीबी दोस्त थे और श्यामा संगीत माँ काली की आराधना में श्यामा संगीत के लिए विश्व भर में उन्होंने बहुत सी बंगला और हिंदी गान बहुत उन्होंने किया और वो इंजीनियर इंडियन रेलवे के से संबंधित थे पर उन्होंने नगर के लिए लखनऊ नगर के लिए परिकल्पना की बात आज हम करते हैं उस वक़्त से उन्होंने इस हजरतगंज की परिकल्पना और इस नगर निगम के कार्यालय की परिकल्पना उस वक़्त की थी इसीलिए आज तक ये पार्क के सामने ही ये नगर निगम है म्यूनिसिपल बोर्ड प्रीवियसली इट वाज म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ 1956 तक म्यूनिसिपल बोर्ड था और 56 से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना जो अब नगर निगम बना आज के हमारा लखनऊ नगर निगम पार्क के अपना स्वागत संगे हमारा एखे बसे आज के আমাদের স্বর্গীয় অতুল প্রসাদ বাবুর 151তম জন্মজয়ন্তী আর এটাও একটা আশ্চর্যের কথা কি শান্তিনিকেতনের ছাত্রা মানসী দত্ত যিনি কত হয়ে গেছেন আজকে ওনারও জন্মদিন তো আমরা যারা নিজেকে এখানে প্রবাসী বাঙালি বলে আমরা তাকে প্রবাসী বাঙালি বলি না আমরা তাকে নিবাসী বাঙালি বলি এই জন্যে কি 1775 থেকে যদি বাঙালিরা এখানে লখনউতে রয়েছে তো তারা যদি নিজেকে প্রবাসী বলে তো আমার মনে হয় যে এটা গ্রামাটিক্যালি ভুল হচ্ছে আমরা এখন নিবাসী আর প্রত্যেক বছর অতুল প্রসাদ বাবুকে 20 অক্টোবরেতে এই পার্কেতে আমরা ওনাকে মনে করি ওদের প্রতি আমি নিজের শ্রদ্ধা জানাই আর সবচেয়ে বড় কথাই হচ্ছে কি অতুল প্রসাদ বাবু যিনি ঢাকাতে জন্মেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল তো উনি বুঝে গেছিলেন যে এই লোকটা মাতায় উকিলের মাতা তো উনি ওকে বললেন যে তুমি ইংল্যান্ড যাও অ্যান্ড ব্যারিস্টার হয়ে ওখান থেকে এসো কেন কি ব্যারিস্টার অ্যাট ল খালি ইংল্যান্ড থেকেই হতো সে সময় উনি সেই ইচ্ছাটা পালন করে উনি কলকাতা ফিরে এলেন উনি গানের অনেক শৌখিন ছিলেন ওনার মনে যে ইচ্ছে ছিল যে কিছু এমন গান করি যেটা বাংলাতে লোকেরা ক্লাসিক্যাল মিউজিকও শুনতে পারুক তো উনি লখনউতে শিফট করে গেলেন আর ওনার কাছে পয়সার কোনো কমি ছিল না লখনউ অনেক বড় বড় বিল্ডিংস এখানে ওনারই দেওয়া আছে গতবার বা তার আগের বার স্বামী মুক্তিনানন্দ এসেছিলেন যিনি রামকৃষ্ণ মিশন লখনউর হেড হচ্ছেন তো উনি যা অতুল প্রসাদের বিষয়ে বললেন প্রায় 1 ঘন্টা উনি বলতে রইলেন পাশে গভর্নর দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশে অনলাল ব্যানার্জি দাঁড়িয়েছিলেন উনি নতুন নতুন ডিজিপি হয়ে এসেছিলেন ইউপি তো ওর কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম এদিকে ওয়েদারটা খারাপ ছিল বা আজকের দিনে হয়তো ফাংশন লোকেদের কাছে বেশি ছিল হবে তাই জন্যে যারা আমাদের কাছে এসছে কেন কি লখনউ বঙ্গীয় নাগরিক সমাজ খালি বাঙালিদের নিয়ে চলে না লখনউ বঙ্গীয় নাগরিক সমাজ লখনউর প্রত্যেকটি সমুদায়কে নিয়ে চলে ওরা খেলাতেও আছে ওরা গানেতেও আছে সামাজিক কাজে আমরা 3 খাতা পার্ক এর জন্য ফাইট করেছি প্রথম করেছিলাম রবীন্দ্র উপবন যেটা হয়ে গেছে হজরতগঞ্জেতে দ্বিতীয়টা করেছিলাম সুভাষচন্দ্র বোসের জায়গায় সুভাষ চৌরাহা করবার জন্য ওটাও লিখে গেছে ওটা আর পরিবর্তন চক নেই ডকুমেন্টেতে ওটা সুভাষ চৌরাহা হয়ে গেছে তৃতীয় পার্ক এটা হচ্ছে এটা 100 জয়েন্ট পার্ক ছিল ওনার এক বন্ধু ছিলেন উনি রাজা ছিলেন লখিমপুর খিদি উনি খিদির রাজা ছিলেন কিন্তু উনি প্রসিদ্ধ হলেন লখনউতে ঝান্ডি বলে ঝান্ডি পার্ক এখানে অলরেডি ছিল তো এটাকেও ঝান্ডি পার্ক বলা হয় যখন এটার মধ্যেখান থেকে পার্টিশন হলো আর দুটোই মূর্তি গায়েব হয়ে গেল
একটা মূর্তি ওদিকে লেগেছিল, একটা মূর্তি ওদিকে লেগেছিল। আমরা যখন খুঁজতে শুরু করলাম তো নগর নিগমের টয়লেটেতে এই দুটো মূর্তি আনক্লেম পড়েছিল, ওগুলোকে ওঠানো হলো, দুটোকেই লাগালাম, কিন্তু দুটোরই ফেস চেঞ্জ করে দিলাম এদিকে। আজকে যখন আমি এনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই, তো আমি ওনাকেও জ্বালাই, ওনারও মালা গালা মালা পড়াই, ওনার দিকেও মোমবাতি জ্বলছে। তো একটা ছোট ইতিহাস এখানে এলো, মিডিয়াদের কাছ থেকে অনেক ফোন এসছে, তারা কি করবে, কি ছাপবে না ছাপবে সেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, কারণ কি আমাদের কাছে এই যত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছেন, আমরা তো এনার ফলোয়ার্স হচ্ছি, এটা উনি সম্মান আমাদের দিয়েছেন যে আমরা এখানে বসে আছি। এতটাই বলবার ছিল, জয় হিন্দ বন্দে মাতরম। আর ওনার গান, লাস্ট গানের একটা লাইন যেটা উনি বাঙালিদের জন্য লিখেছেন, আমরি বাংলা ভাষা। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।